हाय दोस्तों, मैं हूँ रियाज, इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन, आपका दोस्त। बहुत ही खुशी होती है मुझे अपने चाहने वालों से मिलने का, रूबरू होने का। आज बड़ी खुशी की बात यह है, आज मैं मुबारकबाद देने के लिए आपके बीच आया हूँ, क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास दिन है। एक तो संडे, उसके बाद वैलेंटाइंस डे। जी हाँ, आप सभी को रियाज इंडियन की तरफ से हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मोहब्बत करने वाला यह दिन आप सबको बहुत मुबारक हो। मुबारकबाद के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके इर्द गिर्द, आसपास, अपने पराए जो भी हैं, आप सबसे प्यार करिए। प्यार में बहुत फ़ायदे भी हैं, और इस अल्लाह और भगवान भी यही चाहता है कि हम हर किसी से प्यार करें और पाएं। जी हाँ, आप जब तक करोगे नहीं तो पाओगे कहाँ से। तो वैसे तो ये वैलेंटाइंस डे जो है बनाया अंग्रेजों ने है, लेकिन निभा रहे हैं हम इंडियन, हिंदुस्तानी भाई सबसे ज़्यादा मनाते हैं वह वैलेंटाइंस डे। खैर, अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें किसी की भी हो आप मना सकते हैं, बता सकते हैं, अच्छी चीज़ है। तो खैर, ये मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि वैलेंटाइंस डे, बहुत से लोग हैं जिन्हें वैलेंटाइंस डे का मतलब ही नहीं पता। मैं कहना चाहूँगा, मेरे एक मित्र हैं हमारे गाँव में, हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम मनीष है। बहुत प्यारे इंसान हैं वो, हम साथ में स्कूल में पढ़े हैं। पढ़ाई का मतलब ये है कि हमारा गांव छोटा सा गांव, और स्कूल जो था बहुत, उसमें पाँचवीं क्लास के बाद था ही नहीं। और इस चक्कर में हम अंग्रेजी नहीं सीख पाए, क्योंकि पाँचवीं तक हिंदी था। और आप तो जानते हैं, गांव की पढ़ाई अच्छी होती तो बहुत अच्छी होती है, और नहीं होती तो मजाक में जितना आ जाए सीख लो, ये चक्कर होता है। इसी वजह से बहुत से लोग, जो लोग ने सिर्फ हिंदी पढ़ा है, उन्हें वैलेंटाइंस डे का मतलब नहीं पता। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि आज सुबह से बहुत से लोगों का SMS आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, बधाई दे रहे हैं, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, वैलेंटाइंस डे मुबारक हो, प्रेम वाला दिन मुबारक हो। हमारे गांव से एक हमारे मित्र हैं मनीष, तो आज फ़ोन आ गया उनको, बोला अरे भैया मनीष भाई कैसे हैं आप, बड़े दिनों के बाद याद किया। अरे यार भाई मेरे, ये बताओ यार, हम बहुत परेशान हैं। बोले क्या परेशानी है? अरे यार, ये वैलेंटाइंस डे का हुआ था भैया। बोले हैं, वैलेंटाइंस डे का हुआ तो मतलब आपको नहीं पता वैलेंटाइंस डे? आपके मम्मी पापा ने आपको सिखाया नहीं? अरे नहीं यार, उन्होंने सिखाया होता तो बात ही क्या थी। बोला नहीं यार, हर इंसान सिखाता है यार, भैया वैलेंटाइंस डे का मतलब आपको नहीं पता है, तो आपको पता क्या है? अरे हमें जो सिखाया वो पता है, गाय भैंस को दूध कैसे दुहना चाहिए, नरधा साफ करना सिखाया, खेत बो गया हो गया है तो काटना सिखाया, गोड़ना सिखाया, यही सब सीखे भैया, वैलेंटाइंस डे नहीं। मैं बोला लेकिन आप पूछ क्यों रहे हो यार, इसका मतलब क्यों पूछ रहे हो? अरे भैया, कल ही मैंने नया नया फ़ोन लिया है, और सुबह से बार बार SMS आए वैलेंटाइंस डे, इसका मतलब हमें पता ही नहीं है, हम कहाँ जवाब दें। क्या मनीष भाई, वैलेंटाइंस डे का मतलब है कि वैलेंटाइंस डे का मतलब है प्यार करना, प्रेम दिवस हिंदी में हुआ प्रेम दिवस। तो वैलेंटाइंस डे का मतलब आपको नहीं पता था तो आप सुन लीजिए, ये प्रपोज डे का भाई है। प्रपोज डे का भाई मतलब देखिए, जो लोग शुरू शुरू में प्यार करते हैं, और आपको तो पता ही है, कोई भी प्यार करता है तो अपने लेबल वाले से नहीं करता, टेबल वालों से करता है। लड़की हो तो आगे वाले से करती है, लड़का हो तो अपने से उच्च स्तर करता है। लेबल में बहुत कम नसीब वाले होते हैं जिनका प्यार होता है। तो प्यार जो है, जिन्हें प्यार होता है वो 5-6 महीने लगातार कोशिश करते हैं, हिम्मत करते हैं, लेकिन हिम्मत होती नहीं, कोशिश में नाकाम रहते हैं, प्यार का जो है इजहार नहीं कर पाते। तो इसीलिए सरकार ने ऐसा दिन लाया उन गरीबों के लिए, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था प्यार का इजहार करने का, उनके लिए बनाया गया है प्रपोज डे। तो मतलब प्रपोज डे, हाँ, उनके लिए प्रपोज डे बनाया गया कि जो साल भर में कभी किसी लड़की को नहीं बोल सकते, वो प्रपोज डे के दिन प्रपोज कर सकते हैं। कोई भी लड़की उनको कुछ नहीं बोलेगी, हाँ बोलेगी या ना बोलेगी, अच्छा तो यार तो बढ़िया भैया। और उसके बाद में आ गया वैलेंटाइंस डे, तो जिस दिन प्रपोज करने वालों ने प्रपोज किया और लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया, उनके लिए है वैलेंटाइंस डे।
जी हाँ, तो इसीलिए आज के बाद याद रखना, गाय भैंसों को देखो, अच्छी बात है, सब कुछ देखो, लेकिन प्यार भी बहुत जरूरी है। वैलेंटाइंस डे, भैया सही कह रहे हो यार, वैलेंटाइंस जो है अंग्रेजी बहुत खतरनाक चीज होती है, क्या बताएं, हमारी भी बड़ी दुखड़ा है अंग्रेजी के चक्कर में। तो मनीष जी ने कहा कि अच्छा रियाज भाई, आपने शादी नहीं की अभी तक? बोला हाँ नहीं की। क्यों नहीं की? अरे हम करने वाले थे यार, प्यार हुआ भैया, 3 साल तक मामला चला लगातार, तो फिर आपने शादी क्यों नहीं की? अरे बस शादी की डेट फाइनल होने वाली थी, एक दिन पहले ही उसको एक अंग्रेजी मिल गया भैया, तो 3 साल की मोहब्बत पे उसने अंग्रेजी ने पानी फेर दिया, उसे हमसे हमारी मोहब्बत छोड़कर अंग्रेजी पसंद आ गई भैया, तो बस उसकी शादी हो गई। इसी चक्कर में ना हमें लगता है सलमान खान के साथ भी ऐसे ही कांड हुआ है। दरअसल वो प्यार तो बहुत करते थे, प्यार करना आता था, प्रपोज करना नहीं आता था। इसका फायदा प्रपोज डे के दिन अभिषेक ने उठा लिया। यही काम अगर सलमान ने पहले किया होता तो आज वैलेंटाइन डे मना रहे होते। खैर दोस्तों, मैं अपने दिल की बातें शेयर करता हूँ, आप अपने हो, आप हमें चाहते हो, आप हमें फॉलो करो तो मुझे अच्छा लगता है। तो कहने वाली बात है कि ये हमारा आपका चैनल है रियाज इंडियन कॉमेडियन, ये तो मैं चाहूँगा कि आप लोग, हमारी कॉमेडी हो या हमारी बातें हो या मैसेज हमारा आपको पसंद आए तो कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, और हाँ बेल बटन कोई होता है कोने में, उसको दबाएंगे तो मेरे सारे वीडियोस आप तक आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चाहने वालों, तो हम आपको हमेशा चाहते या चाहते रहेंगे, चाहते आए हैं, और मैं चाहूँगा दिन कोई भी हो, प्यार हर दिन करना चाहिए, उसके लिए किसी स्पेशल वैलेंटाइन डे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, अपना हो पराया और सबको अपनाओगे, सबसे प्यार पाओगे। तो तब तक के लिए आज इतना काफ़ी है, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, लव यू।